तो सर को ये बताओ आप तो पहले बस सिंपल छोटा सा मेरे को पहले वो बता दो क्योंकि मेरे को बाकी जर्नी तो मैं समझ लूंगा ईवी की जर्नी का क्यों कीड़ा लगा ईवी क्यों आया बस वो बता दो यार देखो मतलब जब एक बंदे में चूल होती है ना स्टार्टअप बनाने की तो वो ढूंढता है कोई ऐसी चीज करे जो कहीं नहीं हो रही हो ठीक है है ना अब उसी में गलती भी हो जाती है उसी में कभी कभी तुक्का भी लग जाता है हमें ये लगा था कि हमें कुछ ऐसा करना है जो कि अलग हो और जो शायद जब हम करें तो अच्छा भी लगे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार चाहे गलतियां हो बट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द लार्जर वर्ल्ड ओके तो ईवी जब यूएस चाइना वगैरह में चल रहा था तो एक चीज समझ में आ रही थी कि ईवी इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन ओके हमने कहा कि अगर बिजनेस बनाएंगे और hmm. बाहर कंट्रीज में बन रहा है hmm. तो इंडिया में हम पोल्यूशन पोल्यूशन के अलावा कोई बात ही नहीं करते जब भी हम मिलते हैं यार ट्रैफिक बहुत है पोल्यूशन बहुत, है। है। बहुत, बहुत हो रहा है पोलूशन बहुत हो रहा है क्रॉप कंट्री है तो हमने कहा यार बातें करते रहेंगे यार काम भी करेंगे राइट और वो बचपन का एक आग थी कि कुछ ना कुछ तो करूंगा जिंदगी में खुद काश से आकाश आकाश, आकाश वाह <laughs> दोस्तों <laughs> तो बस आ, फिर इतना इंटरेस्टिंग लगा और आप मानोगे नहीं जब ये आइडिया आया मेरे दिमाग में हाँ जी। तब माय वाइफ राशि और मैं हाँ, वो फ्रेंड्स <laughs> के नहीं मैं नहीं गया कहीं अच्छा। मेरे को वो पांच दिन मिले सिर्फ रिसर्च करने के लिए अपनी लाइफ में, अप मैं मैं, में मैंने पूरा इंटरनेट छान दिया और मेरा डिसीजन बन गया था कि अब यही स्टार्टअप बनाऊंगा आई जॉब

ठीक है यार जब आ जाएंगे तब बात, करेंगे, करेंगे। बात करेंगे, अभी अभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो हो रही रही है पा बट मे को ये बताओ जो ईवी का मतलब आपने ये सोचा होगा ना ईवी लॉजिस्टिक कंपनी बनानी है ईवी डिजाइन हम स्कूटर बनाएंगे हम प्रोडक्शन कंपनी खोल रहे हैं हम आ, हीरो से कम्पीट कर रहे हैं क्या था वो हल्ला तो देखो अब ये बात बहुत अच्छी थी कि हमें क्लैरिटी थी कि क्या आता है जिंदगी में जिंदगी में हमें स्कूटर बनाना नहीं आता हमें ईवी की टेक नहीं आती बट हमें एक सर्विस बनानी आती है एप hmm. बनानी आती है hmm. क्योंकि स्नैपडील मोबीक हो मोबीक्विक हो एयरटेल में कंज्यूमर बिजनेस करे थे तो कंज्यूमर टू सी समझ में आता था hmm. आज मैं टू बी बिजनेस हूं हाँ, वो वो ये चोट है <laughs> <laughs> जिंदगी की बट इंटेंट था कि भैया लोगों का ट्रेवल इवेंजलाइज hmm. कर देंगे hmm. आज के बाद ना कोई ओला यूज करेगा ना कोई ऊबर यूज करेगा सब हमारा hmm. स्कूटर ऐप से अनलॉक करके चलाएंगे अच्छा जो जु, जु, जुलू या कौन या या यूलू बाउंस वो वो बहुत सारी कंपनियां आई हम ऑलमोस्ट पहले थे जिन्होंने ये सोचा था अच्छा यस बट इवेंचुअली वो जो प्रोडक्ट मार्केट फिट गाय रब देखो मेरा है वो सब निकल रहा है एंजल इन्वेस्टर निकल रहा है बट वो तो आपका कुछ फाइनल कुछ और ही है ना बिकॉज आई थिंक जिप वैसे तो यूज नहीं करता ना कोई कोई नहीं करता बट पहले दो साल अच्छा हम यही कराते थे लोगों से अच्छा फिर हमने पिवट किया कि यार ये नहीं नहीं करेंगे इंडिया में इसकी कोई वैल्यू है सॉरी पहले दो साल आपके वो बने होते थे। लोग आते थे आपसे स्कैन करते थे एक हफ्ते का प्लान एक मिनट का प्लान एक आ, साल का प्लान लेके जाते थे अच्छा पर्सनल मोबिलिटी ठीक है फिर हमने उसमें कोहर्ट निकाला तो ज्यादातर डिलीवरी बॉयज भी लेने लग गए थे हमारे व्हीकल्स और जब डिलीवरी बॉयज ले रहे थे तो उनमें स्टिकेबिलिटी बहुत ज्यादा थी जैसे आप तो आए एक महीने के लिए फिर आप शहर छोड़ के चले गए आप टाटा बाय बाय बट डिलीवरी बॉय को तो यही काम करना है वो यूज करने लगा बट हमें ये समझ में आया कि डिलीवरी इज हैपनिंग बिजनेस जो है जोमेटो स्विगी एमेजॉन फ्लिपकार्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही वो कह रहे हैं और करो हमने कहा यार यारोल हमारे हाथ में तो है नहीं हम तो दे रहे हैं हम तो दे रहे हैं बट हमने कहा इनका कंट्रोल भी सॉल्व करते हैं तब हमने कहा वी विल डू द फुल स्टैक वी विल गेट आर ओन डिलीवरी बॉय

300 स्कूटर और हमारे हाँ। हाँ। पास डिमांड थी हजार स्कूटर लगाने की वश इट हर को डिलीवरी चाहिए थी सही बात दैट वाज द ओनली थिंग दैट एवरीवन वांटेड चाहिए था यस सो वी took a permission from the government that हाँ। we are we will do deliveries और हाँ। लोगों को पता लग गया लोग पीछे लग गए चाहे हाँ। वो बिग बास्केट हो चाहे सोडी सुपरमार्केट हो चाहे 27 कृष्णा मार्ट हो जो भी होते हैं सबको चाहिए डिलीवरीज तो हमने कहा यार क्या कर रहे थे दो साल से हाँ, यही करना चाहिए सही बात और है। फिर उसके बाद हमने सारी हाँ, हमने सारी चीजें बंद करी स्कूटर शुरू करे डिलीवरी बॉय आते गए हाँ, और आज हम लगा दिए तो कौन-कौन कौन सी सिटीज में अपन अब हम है डेली, बैंगलोर, हाँ, और अभी हैदराबाद बस छुआ है मुंबई हजार हैदराबाद और बिज़नेस भी अब करते हैं हम थोड़ा बहुत और ये जब आपने शुरू किया था था जब जब मैंने सोचा था, हाँ। तब मैं था। अच्छा। जब मेरी टेक बननी शुरू हुई हाँ। तब मैं क्विक में था हाँ। और जैसी टेक बन गई तब तो मैंने कहा जा अच्छा रहा हूं अच्छा लॉन्च करता तुम मानोगे नहीं क्योंकि मैं आज आपके शो में हूं या ऐसे हंस शो में तो नहीं बोलते <laughs> नहीं नहीं यार क्योंकि मेरे को आज बहुत प्रेशर है कॉमेडी ढूंढने का मेरी बातों में जो कि है ही, ही नहीं बट मुझे एक मिल गई कॉमेडी जब मूवी क्विक में मेरे को क्विट करना था आ, मैंने क्विट तो नहीं किया बट हमने अपना ऑफिस ढूंढ लिया था ऑफिस की सात फोटोज आई थी मेरे पास अच्छा और हमने ग्रुप बना रखा था कोर zip कोर ऐसे करके और एक मूवी क्विक का भी कोर मूवी क्विक बना हुआ था मैं उसमें पार्ट था

ठीक है ऑफलाइन लेके जाएंगे कुछ कॉन्वर्सेशन को <laughs> अरे अरे और क्या मार्केटिंग देखते थे ना या, या या सही है लेकिन मार्केटिंग तो मुझे लगता है आपकी सॉलिड है ये जो आपने पूरा ये जो ग्रीन हेलमेट होगा और वो क्योंकि कलर भी आपने डिसाइड किया होगा कि यार रेड इनका है ऑरेंज इनका है तो कुछ अलग कलर चाहिए हमारा येलो भी फ्रैंकली इतना दिमाग लगाया नहीं था

पोल्यूशन बचाना है हाँ, हाँ, तो हराई समझ में आया तो लोगो हरा ही बना दिया हाँ, अब आज वो हरा दिखता है तो लोग हाँ, कहते हैं कि कुछ सोचा होगा बट अब, अब, अब मुझे लगता है आप एक स्टोरी बना लो <laughs> अबोरी बना अब क्योंकि वही चलती है यार अब बना नहीं, कि बचपन में मैंने कभी सोचा था एक ऐसा कुछ नहीं नहीं स्टोरी ये है कि हाँ जब वो मैं स्कूटर देखता था ना और उसपे ग्रीन नहीं दिखता था तो मेरे को फोमो होता था

मैंने कहा इनको हरा कर देते हैं और ऐसी वाइल्ड आइडिया फिर हमने कहा अब कैसे करेंगे 2000 हजार स्कूटर्स थे तब हमने मार्केटिंग एक एजेंसी ब्रांडिंग कंपनी को बुलाया बी कंपनी भैया स्टिकर लगाने की कितने लेगा तो उसने स्टिकर के प्राइस बताया हमने उसको बोला कि इतने लगाने के इतने बनाने के तू लगा हमारी टीम से सपोर्ट करेंगे तो दो हजार स्कूटर्स पे स्टिकर्स लगाए अच्छा फिर ओ से बात करी उन्होंने कहा कि हम तो अभी नहीं बनाते हरा हमें परमिशन लेनी पड़ेगी हमने का, लो, जब तक तक नहीं आती हाँ। तब तक खुद हरा करके करके दो 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 लगा के, दो, के दो। अच्छा और फिर बढ़िया और, और फिर हेलमेट भी ले आए हमने कहा यार बंदे की सेफ्टी का ध्यान रखना है हाँ। भी अपना बना देते हैं राइट तो जिप हरा अभी एक फोटो बीच में बहुत वायरल हो रही थी जिसमें आई थिंक बंदे ने

मतलब जो अडोप्शन कर्व है अडोप्शन प्लस गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल है थोड़ा hmm. वो मैं समझना चाहूंगा hmm. देखो ईवी में गवर्नमेंट तो पूरी तरह से एक्साइटेड है बिकॉज आर ऑयल डिपेंडेंस हैज टू कम डाउन राइट राइट सो इट्स इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस प्लस गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन कार्बन एमिशन नेट जीरो इज अ बिग टारगेट लाइक यू नो 2070 हम हाँ बोलते हैं जापान 2050 बोलता है कोई कंट्री 2040 बोलती है दैट दे विल बी नेट जीरो एज अ नेशन नेट जीरो okay. मतलब वो कंट्री में जितना पोल्यूशन होगा उतना ही सस्टेनेबिलिटी भी होगी और नेट जीरो हो जाएगा अच्छा राइट कार्बन क्रेडिट्स खरीदेंगे या कुछ करेंगे बट दे विल बी सस्टेनेबल राइट एज पर यू एन नॉर्म्स तो देस अ लॉट ऑफ फ्राम द गवर्मेंट फॉर द सेम रीजन देर आर लॉर्ड ऑफ इंटरेस्टिंग राइट लोग गाड़िया बना रहे हैं टेस्ला इंडिया आने की बातें कर रहा है सब्सिडीज आ रही है एक नई टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है बैटरिया नई नई तरह की बन रही है लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इट्स लाइक जो सौ साल में एक ऑटोमोब इंडस्ट्री बनी है राइट विच इज आईसी इंजन जिसे हम कहते हैं लाइक पेट्रोल और डीजल

तो बस उसी उसी वेव में बहुत लोग बहुत कुछ बना सकते हैं मुझे अभी भी ऐसा लगता है RHS पता है सबको कि हाँ, ये होगा। हाँ. अब मैच करवाना है कि कैसे होगा वो RHS RHS क्या होता है? मतलब LHS, होता है? <laughs> <laughs> तो <laughs> है मतलब ना वो ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए सो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी